नमस्कार दोस्तों, विश क्रिएटिव फिटर ट्रेड थ्योरी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में डेप्थ माइक्रोमीटर का उपयोग, पार्ट के नाम और उनके उपयोग, लिस्ट काउंट, रीडिंग के बारे में पूरी जानकारी इस लेसन में देखेंगे। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करके नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। माइक्रोमीटर आधुनिक युग में सभी कलपुर्जे कंपोनेंट अति उत्तम तथा बहुत परिशुद्धता में बनाए जाते हैं। अतः उनके सभी मापों को परिशुद्धता में बनाने के लिए भिन्न भिन्न सूक्ष्ममापी यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर और वर्नियर माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर यह एक सूक्ष्ममापी यंत्र है जिसके द्वारा किसी जाब कंपोनेंट को मेट्रिक और इंग्लिश प्रणाली में परिशुद्धता से मापा जाता है। माइक्रोमीटर यह माइक्रो और मीटर ऐसे दो अलग अलग ग्रीक शब्द से बना अर्थपूर्ण शब्द है। माइक्रो का मतलब सूक्ष्म या बारीक और मीटर का अर्थ है मापना। डेफिनेशन माइक्रोमीटर की डेफिनेशन जानना बेहद जरूरी है। माइक्रोमीटर इज अ डायरेक्ट लीनियर प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। माइक्रोमीटर सीधी रेखा में परिशुद्ध माप लेने वाला उपकरण है। प्रिंसिपल सभी प्रकार के माइक्रोमीटर नट बोल्ट की पिच के सिद्धांत पर आधारित होते हैं तथा स्क्रू और नट की तरह कार्य करते हैं। इसी कारण माइक्रोमीटर को स्क्रू गेज के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह नट को बोल्ट में घुमाया जाता है और वो दिए गए पिच से आगे पीछे मूव करता है, उसी प्रकार थिम्बल को घुमाने पर स्लीव के अंदर से दिए गए पिच से माइक्रोमीटर का स्पिंडल फ्रेम में से आगे पीछे मूव करता है। टाइप्स ऑफ सिस्टम प्रणाली के आधार पर माइक्रोमीटर के दो प्रकार होते हैं, एक मेट्रिक माइक्रोमीटर और दूसरा ब्रिटिश माइक्रोमीटर। मेट्रिक माइक्रोमीटर में मिलीमीटर में और ब्रिटिश माइक्रोमीटर में इंच में माप ले सकते हैं। एक्यूरेसी मेट्रिक मेजरिंग सिस्टम में 0.01 mm इतनी एक्यूरेसी में और ब्रिटिश मेजरिंग सिस्टम में 0.001 इंच इतनी एक्यूरेसी से माप ले सकते हैं। टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर अकॉर्डिंग टू यूज उपयोग के हिसाब से माइक्रोमीटर के मुख्य तीन प्रकार होते हैं। पहला है आउटसाइड माइक्रोमीटर, जो किसी कंपोनेंट या जाब के बाहरी माप मापने और जांचने में काम आता है। दूसरा है इनसाइड माइक्रोमीटर, जो किसी कंपोनेंट या जाब के अंदरूनी माप जांचने या मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तीसरा है डेप्थ माइक्रोमीटर, होल या स्लॉट की गहराई मापने हेतु डेप्थ माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। इस लेसन में हम लोग इनसाइड माइक्रोमीटर के बारे में जानकारी लेंगे। यूज इस माइक्रोमीटर का प्रयोग होल या स्लॉट की डेप्थ मापने के लिए किया जाता है। इस माइक्रोमीटर की सहायता से रेखीय माप मेट्रिक पद्धति में 0.01 mm और ब्रिटिश पद्धति में 0.001 इंच में लिया जाता है। अवेलेबल साइज डेप्थ माइक्रोमीटर में उपयोग किए जाने वाले एक्सटेंशन रॉड के लंबाई पर साइज निर्भर करता है। यह रॉड 0 to 25, 25 to 50, 50 to 75, 75 to 100, 100 to 125 और 125 to 150 mm तक के साइज में होते हैं। पार्ट्स ऑफ डेप्थ माइक्रोमीटर डेप्थ माइक्रोमीटर के भागों के नाम तथा उनके उपयोग, उनकी रचना किस तरह होती है, इस बारे में विस्तार से जानेंगे। डेप्थ माइक्रोमीटर के भागों के नाम हैं स्टॉक, लॉक, स्लीवर बैरल, थिम्बल, रेचस्टॉप, कैप, मेजरिंग रॉड और स्पिंडल। यह डेप्थ माइक्रोमीटर के मुख्य भागों के नाम है। स्टॉक डेप्थ माइक्रोमीटर में यह एक स्टॉक होता है जिसमें ग्रेजुएटेड स्लीव फिट होता है। स्टॉक के अंदर से मेजरिंग रॉड या स्पिंडल ऊपर नीचे मूव करता है। माप लेते समय
बेस की तरह इसका उपयोग किया जाता है। लॉक, एक बार लिए गए माप बदलना नहीं चाहिए, इसलिए लॉक नट का उपयोग किया जाता है, वह स्पिंडल को घूमने नहीं देता। स्लीव और बैरल, इसको स्लीव या बैरल कहा जाता है, यह स्टॉक से जुड़ा रहता है, इसके ऊपर डल फिनिश किया होता है। स्लीव के ऊपर लंबी रेखा अंकित होती है जिसे डाटम लाइन या इंडेक्स लाइन कहते हैं। इस लाइन के ऊपर और नीचे मेट्रिक और ब्रिटिश में ग्रेजुएशन होती है। थिम्बल, इसमें 0.5 mm की आंतरिक चूड़िया होती है, इसको हाथ से घुमाने के लिए डायमंड नर्लिंग किया होता है, इसके बेवल हिस्से पर समान दूरी पर ग्रेजुएशन किया होता है। रैचेट स्टॉप, यह थिम्बल के पिछले सिरे के साथ जुड़ा रहता है, प्रत्येक मनुष्य के द्वारा एक जैसी रीडिंग ली जा सके और गलती ना हो, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। निश्चित शक्ति से अधिक शक्ति लगने से यह चट-चट की आवाज़ करने लगता है या फ्री घूमने लगता है। कैप, यह डेप्थ माइक्रोमीटर का आखिरी हिस्सा होता है, यह रैचेट स्टॉप के साथ जुड़ा होता है। कैप को खोलने के बाद उसमें ज़रूरत के हिसाब से एक्सटेंशन राड लगा सकते हैं। एक्सटेंशन राड को कॉलर हेड होने के कारण उसे मजबूती से पकड़ने में सहायक होता है। एक्सटेंशन राड और स्पिंडल, यह स्टेनलेस स्टील या हाई ग्रेड टूल स्टील के बने होते हैं। इसको हार्डनिंग, टेम्परिंग और ग्राइंडिंग किया होता है। यह 0-25, 25-50, 50-75, 75-100, 100-125 और 125-150 mm के साइज के होते हैं। जिस रेंज की गहराई मापना हो उसी रेंज का राड लगाना होता है। ग्रेजुएशन, स्लीव पर एक 25 mm लंबी डाटम रेखा चिन्हित होती है, वह 25 भागों में बराबर विभाजित होती है तथा उस पर ग्रेजुएशन बनी होती है। इसका प्रत्येक भाग 1 mm का होता है। प्रत्येक पांचवी रेखा थोड़ी लंबी खींची जाती है और संख्यांकित की जाती है। 1 mm को प्रदर्शित करने वाली रेखा को पुनः 2 समान भागों में बांटा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक सब डिवीजन 0.5 mm को व्यक्त करते हैं। आउटसाइड माइक्रोमीटर की अपेक्षा इसमें ग्रेजुएशन विपरीत दिशा में बनी होती है। डेप्थ माइक्रोमीटर का 0 ग्रेजुएशन के ऊपर तथा 25 मिलीमीटर का ग्रेजुएशन स्टॉक के समीप होता है। थिम्बल का बेवेल एज भी ग्रेजुएटेड होता है। पूरी परिधि पर 50 भागों में बराबर बांटा होता है। प्रत्येक पांचवा हिस्सा थोड़ा लंबा तथा संख्या द्वारा अंकित होता है। संख्याएं विपरीत दिशा में, जैसे कि 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 तथा 50 यानी 0 से अंकित होता है। थिम्बल के एक पूरे चक्कर से मेजरिंग राड द्वारा चली दूरी एक पिच यानी 0.5 mm के अनुसार होती है। लिस्ट काउंट, आउटसाइड माइक्रोमीटर की तरह इसका लिस्ट काउंट निकाला जाता है। मेट्रिक पद्धति में 0.01 mm और ब्रिटिश पद्धति में 0.001 इंच इतना लिस्ट काउंट होता है। आउटसाइड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है यह हमने पिछले वीडियो लेसन में बता दिया है। उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वो वीडियो लिंक पर जाकर देख सकते हैं। हाउ टू यूज डेप्थ माइक्रोमीटर। स्टेप 1, सबसे पहले 0-25 मिलीमीटर का मेजरिंग राड डालकर 0 एरर चेक करना चाहिए। उपयुक्त मेजरिंग राड का उपयोग करके जाप की खोली चेक करने के लिए उसे फिट करें। स्टेप 2, मेजरिंग राड को छेद या स्टेप पर अच्छे से रखें। जितना संभव हो उतना किनारे के करीब लाके रखें और उसे छूना नहीं चाहिए, इस बात का ख्याल रखें। स्टेप 3, माइक्रोमीटर के आधार को पकड़ते हुए
धीरे धीरे थिम्बल को घुमाए जब तक राड की नोक छेद या स्टेप के नीचे के करीब ना हो जाए। सतह को छूना ले तब तक रैटेस्ट आपको घूमना घुमाना बंद ना करे। जब फील ना हो तब तक रैटेस्ट आपको घुमाए। स्टेप 4, लॉकिंग नट का उपयोग करके माइक्रोमीटर स्पिंडल को लॉक करें और जाप को उपकरण से सावधानी पूर्वक हटा दें। स्टेप 5, लिया हुआ माप बांधना और पढ़ना। डेप्थ माइक्रोमीटर पर माप कैसे लेते हैं और पढ़ते हैं उसके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहली स्टेप है साइज ऑफ मेजरिंग रॉड्स और स्पिंडल। डेप्थ माइक्रोमीटर से कोई भी गहराई या स्लॉट या की खोली मापना हो तो डेप्थ माइक्रोमीटर की मेजरिंग के साइज का चुनाव करना होगा। यह मेजरिंग रॉड 25 mm के अंतराल में उपलब्ध है, जैसे कि 0 to 25, 25 to 50, 50 to 75, 75 to 100, 100 to 125 और वन। दूसरी स्टेप है मिनिमम रेंज ऑफ मेजरिंग रॉड्स। माप बांधते या लेते समय हम जिस साइज का मेजरिंग रॉड का चुनाव करेंगे उस रेंज के शुरुआती अंक मिनिमम रेंज कहलाएंगे। जैसे 86.48 mm हमें माप लेना है तो 75 to 100 mm रेंज के मेजरिंग रॉड का चुनाव करना पड़ेगा। इस मेजरिंग रॉड की मिनिमम रेंज 75 mm होगी। तीसरी स्टेप है मेन डिवीजन ऑफ माइक्रोमीटर। डाटम लाइन के ऊपर की जो 1-1 mm की अंतराल से ग्रेजुएशन होती है उसे मेन डिवीजन कहते हैं। दिए गए रीडिंग में से मिनिमम रेंज कम करने के बाद जो अंक बचते हैं वह मेन डिवीजन होंगे, जिसको 1 mm से गुना करो। चौथी स्टेप है सब डिवीजन ऑफ माइक्रोमीटर। डाटम लाइन के ऊपर 1 mm के प्रदर्शित करने वाली रेखा को डाटम लाइन के नीचे पुनः 2 समान भागों में बांटा जाता है। इस प्रकार सब डिवीजन का मूल्य 0.5 mm होता है। सब डिवीजन यह दशमलव के बाद जो कीमत होती है उसी पर निर्भर करता है। सब डिवीजन आएगा तो एक ही आएगा, नहीं तो 0 आएगा। जैसे कि 0.5 से 0.99 के दशमलव की मूल्य होगी तो उसमें 1 लिखा जाएगा और 0.00 से 0.49 तक मूल्य होगी तो सब डिवीजन 0 लिखा जाएगा, जिसको 0.5 mm से गुना करो। पांचवी स्टेप है थिम्बल डिवीजन ऑफ माइक्रोमीटर। यह थिम्बल डिवीजन होते हैं, इनको 0.01 mm से गुना करना होता है। दशमलव के बाद सब डिवीजन कम करने के बाद जो डिवीजन बचते हैं वह थिम्बल डिवीजन होते हैं। जैसे कि 0.69 mm है तो उसमें से सब डिवीजन 0.5 कम करने के बाद जो 19 बचते हैं वह थिम्बल डिवीजन होंगे। लेकिन दशमलव के बाद 0.49 या उससे कम मूल्य होगी तो उसमें से सब डिवीजन कम करने की ज़रूरत नहीं, उसमें जो मूल्य होगा वह सभी थिम्बल डिवीजन होंगे, जिसको 0.01 mm से गुना करना पड़ेगा। टोटल रीडिंग, सीरियल नंबर 2 से सीरियल नंबर 5 तक की सभी मूल्य को मिलाइएगा, जो उत्तर आएगा वह डेप्थ माइक्रोमीटर की रीडिंग होगी। डेप्थ माइक्रोमीटर की रीडिंग कैसे शो करते हैं वह समझने के लिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि 3.76 mm, 3.76 mm। यह रीडिंग शो करने के लिए सबसे पहली स्टेप है साइज ऑफ मेजरिंग रॉड और स्पिंडल। 3.76 mm यह रीडिंग शो करने के लिए 0 to 25 mm साइज का मेजरिंग रॉड का चुनाव करना होगा। सेकंड स्टेप है मिनिमम रेंज ऑफ मेजरिंग रॉड। चुने हुए मेजरिंग रॉड 0 to 25 mm की मिनिमम साइज 0 है तो उसमें 0 लिखो। थर्ड स्टेप है मेन डिवीजन ऑफ माइक्रोमीटर। दिए गए रीडिंग में से मिनिमम रेंज 0 कम करने के बाद 3 बचते हैं, इसलिए 3 को 1 mm से गुना करो। फोर्थ स्टेप है
सब डिवीजन ऑफ माइक्रोमीटर। दशमलव के बाद की कीमत 0.76 mm है। यह कीमत 0.5 से ज़्यादा है तो सब डिवीजन एक आएगा, उसको 0.5 mm से गुना करो। फिफ्थ स्टेप है थिम्बल डिवीजन ऑफ माइक्रोमीटर। दशमलव चिन्ह के बाद की कीमत 0.76 होने के कारण उसमें से सब डिवीजन 0.5 mm कम होगा तो 26 बचते हैं, उन्हें 0.01 mm से गुना करो जो कि एक थिम्बल डिवीजन की कीमत है। टोटल रीडिंग सीरियल नंबर 2 से सीरियल नंबर 5 तक को सबको मिलाने पर रीडिंग 3.76 mm आती है। दोस्तों अब यह रीडिंग वीडियो के माध्यम से देखते हैं। डेप्थ माइक्रोमीटर की रीडिंग समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। रीडिंग है 68.13। इसकी पहली स्टेप है साइज ऑफ मेजरिंग रॉड और स्पिंडल। 68.13 mm यह रीडिंग शो करने के लिए 50-75 mm साइज का मेजरिंग रॉड का चुनाव करना होगा। दूसरी स्टेप है मिनिमम रेंज ऑफ मेजरिंग रॉड। चुने हुए मेजरिंग रॉड 50-75 mm की मिनिमम रेंज 50 है तो उसमें 50 लिखो। तीसरी स्टेप है मेन डिवीजन ऑफ माइक्रोमीटर। दिए गए रीडिंग में से मिनिमम रेंज 50 कम करने के बाद 18 बचते हैं, इसलिए 18 को 1 mm से गुना करो। चौथी स्टेप है सब डिवीजन ऑफ माइक्रोमीटर। दशमलव के बाद की कीमत 0.13 mm है, यह कीमत 0.5 mm से कम है तो सब डिवीजन 0 आएगा, उसको 0.5 mm से गुना करो। पांचवी स्टेप है थिम्बल डिवीजन ऑफ माइक्रोमीटर। दशमलव चिन्ह के बाद की कीमत 0.13 mm है जो कि 0.49 से कम है तो पूरे थिम्बल डिवीजन 13 होंगे, जिसे 0.01 mm से गुना करो जो कि एक थिम्बल डिवीजन की कीमत है। टोटल रीडिंग सीरियल नंबर 2 से सीरियल नंबर 5 तक को सबको मिलाने पर टोटल रीडिंग 68.13 mm आती है। दोस्तों अब यह रीडिंग वीडियो के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही नई नई जानकारी जानने हेतु और अपना टेक्निकल नॉलेज बढ़ाने हेतु आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करके नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।